नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों ठीक है, अगर आप चैनल पर हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहला दोस्तों कि राज्य एवं संघ के मंत्री को शपथ लेने का वर्णन सही है दोस्तों, इनको शपथ लेने का वर्णन है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको है दोस्तों। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनको भी शपथ लेने का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल को शपथ लेने का वर्णन नहीं है। याद रखिएगा कि संविधान में के तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान दिया गया दोस्तों, किस क्या दिया गया, शपथ का। याद रखिएगा सबसे पहला क्या दोस्तों, स्टेट एवं उनके राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा में क्या दोस्तों, तो दूसरे में याद रखिएगा वेतन और भत्ता है दोस्तों, याद रखिएगा वेतन और भत्ता है। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में है शपथ, तो राज्यपाल को शपथ लेने का प्रावधान नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 का। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, याद रखिएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू है। याद रखिएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है अनुच्छेद 148 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने, सेकंड नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। याद किया कहां से प्राप्ति हुई है, तो ये धौलावीरा से प्राप्ति हुई। कहां से प्राप्ति हुई, धौलावीरा। धौलावीरा कहां से दोस्तों, तो धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। याद किया धौलावीरा कहां स्थित है, गुजरात में, ठीक है दोस्तों। हड़प्पा दोस्तों कहां स्थित है, याद किया हड़प्पा जो है ये मांडगो मिरी यानी कि पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में स्थित है दोस्तों। हड़प्पा, हड़प्पा दोस्तों रावी नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा को खोज किसने किया था, दयाराम साने ने 1921 में किया था। याद रखिएगा बनावली कहां से दोस्तों, बनावली जो दोस्तों हरियाणा में स्थित है। याद रखिएगा बनावली हरियाणा में स्थित है। अगर हम लोग बात करते हैं कि कालीबंगन कहां से दोस्तों, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है, तो चूड़ी का प्रमाण प्राप्त हुआ दोस्तों, कहां से, कालीबंगन से, ठीक है। याद रखिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से, तो धौलावीरा के स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है, ठीक है याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों ये सिंधु नदी किनारे से थे। कौन सी नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो लंबाई है दोस्तों याद रखिएगा ये 2880 किलोमीटर है, ठीक है याद रखिएगा 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की लंबाई, आपको ध्यान देना है। अगला दोस्तों 3 नंबर सवाल कि मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों, याद रखिएगा ये नागा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। मिथन जो दोस्तों मिथन नामक त्यौहार जो है भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, तो ये नागा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। अगर बात करें दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों, याद रखिए सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। सेकंड में दोस्तों सबसे एक नंबर में आता है दोस्तों भील जनजाति। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों गोंड जनजाति, याद रखिएगा दूसरे नंबर कौन सा है, गोंड जनजाति है। तीसरे नंबर में आता है दोस्तों संथाल, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आता है, संथाल जनजाति। एक नंबर में भील है सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे दोस्तों गोंड और तीसरे नंबर पे संथाल। आपको पता है दोस्तों कि वर्तमान में जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो कौन आदिवासी है दोस्तों, कौन से आदिवासी है, संथाल है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला दोस्तों 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि संविधान का दूसरा भाग ये नागरिकता से संबंधित है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। अगर बात करेंगे संविधान का 10वां भाग छावनी संबंधित है, नहीं दोस्तों गलत है। संविधान का 15वां भाग आपात उपबंध, ये भी गलत है दोस्तों। संविधान का 20वां भाग निर्वाचन, ये गलत है दोस्तों। संविधान का दूसरा जो भाग है दोस्तों ये नागरिकता से संबंधित है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, याद रखिएगा नागरिकता जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 2 में किया गया है, ठीक है, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि दीवान ए मुस्त खराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था दोस्तों, किसने किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। याद रखिएगा कि दीवान ए मुस्त खराज नामक नए विभाग की जो स्थापना है किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है 6 नंबर सवाल आपके सामने है। 6 नंबर सवाल देखेंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन है दोस्तों कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात हरियाणा में पाया गया है, ये सही है दोस्तों, ठीक है।
छह वर्ष से कम शिशु आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया। ये गलत है दोस्तों, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर वन क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, केवल वन सही है। आइए ऑप्शन देखते हैं, तो उत्तर कोड की सहायता से आंसर दीजिए, तो केवल क्या हो जाएगा, वन सही है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों सेवन नंबर सवाल आपके सामने है। सेवन नंबर सवाल देखेंगे कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों कि 39वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 38वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, यानी कि सेवन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एट नंबर सवाल देखिए, एट नंबर सवाल है कि 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता, सबसे पहले समझिएगा यहां से सवाल एग्जाम में पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, याद रखिएगा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए थे। सबसे पहला दोस्तों कि ऐसे राजनीतिक बंदियों को आजाद रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है, सही है दोस्तों, ये मानने हेतु तैयार हुआ था। भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 1 2 सही है। आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा और चौथा भी है दोस्तों। तीसरा क्या है दोस्तों कि भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। चौथा है कि जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा, यानी कि 3 भी 4 भी सही है, यानी कि उपयुक्त में सभी सही है दोस्तों। क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व पाया जाता है दिल्ली में, कहाँ पाया जाता है, दिल्ली क्या है दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा, वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कितना राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों गोवा, क्षेत्रफल सॉरी दोस्तों क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा दोस्तों, और सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल दृष्टि से। ठीक है, याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों, वो सिक्किम है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 10 नंबर सवाल कि काला घोड़ा महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है, तो ये मुंबई में किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि काला घोड़ा महोत्सव जो है ये कहां आयोजित किया जाता है, मुंबई। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 11 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों, 11 नंबर सवाल आपके सामने है, 11 नंबर सवाल देखेंगे। ठीक है, देखिए 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। सबसे पहले दोस्तों कि सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्याएं, ये भी सही है। जवाबदेही का अभाव, ठीक है दोस्तों ये सही है। लाल फीताशाही, ठीक है ये भी सही है। नागरिकों को अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि 1 2 3 4 सभी सही है। आइए यहाँ पे देखते हैं, तो उपयुक्त में सभी सही होगा दोस्तों। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11 का। अगला दोस्तों 12 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार में से संबंधित नहीं है। याद रखिएगा, बात करते हैं कि कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, ये संबंधित है दोस्तों। ठीक है, लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त, ये संबंधित नहीं है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सी डी देखने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि पवन दूत के लेखक दो ही संबंधित है। ब्राह्मण सर्वशय के रचिता अलाधियो, ये संबंधित है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबंधित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है दोस्तों। याद रखिएगा, किस राज्य में है, तो ये दोस्तों तमिलनाडु में। याद रखिएगा, वर्तमान में भारत के किस राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है दोस्तों। ठीक है, अगला 14 नंबर सवाल कि भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे, वो तो वी नरहरी राव। याद रखिएगा, वी नरहरी राव थे दोस्तों भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। वर्तमान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू है। याद रखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है दोस्तों, ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 148 में, किसमें है, 148। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 15 नंबर सवाल देखिएगा, 15 नंबर सवाल आपके सामने है
कि जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, 10 लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं, 10 लक्षण बताए गए हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है दोस्तों, तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ, जिनको सांपों का देवता कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। कौन थे, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां मृत्यु हुई थी, पावापुरी मृत्यु हुई थी। जन्म कहां हुआ था, 540 ईसा पूर्व में, तो वैशाली के कुंडम ग्राम में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 16 नंबर सवाल, कि खेल क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समावधि क्या थी दोस्तों, ये 1985-1996 क्या है, 1985-1996 जो है ये खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 17 नंबर सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों, कि भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। याद रखिएगा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जो है इसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में, याद रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों उसके बाद, फिर सबसे उसके बाद सेकेंड में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया दोस्तों, सबसे पहला राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है। दूसरे राज्य में कहाँ लागू किया गया था, आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। पंचायती राज का जो उल्लेख है दोस्तों किस अनुसूची में है, तो याद देखिएगा, पंचायती राज का जो उल्लेख है ये अनुसूची 11वीं में है दोस्तों, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों 18 नंबर सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी की मुख्य सहयोगी कौन थी, ये थी दोस्तों अनसुईया बेन। याद रखिएगा कि अहमदाबाद मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन थी, अनसुईया बेन थी दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 का। अगला देखेंगे दोस्तों 19 नंबर सवाल, अगर हम लोग बात करते हैं 19 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने, 19 नंबर सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, भारत की पहली तेल शोधन इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था, ये सही है दोस्तों, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधन शाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई थी, ये भी सही है, यानी कि 1-2 दोनों सही है, इनके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 1-2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 20 नंबर सवाल देखिए, 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों गोवा में किया जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है, ये गोवा में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बी हो जाएगा। अगला दोस्तों 21 नंबर सवाल देखिएगा, अगला देखेंगे 21 नंबर सवाल कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर, ठीक है, आइए यहां पे और ऑप्शन देखते हैं इधर, कमजोर जनजातीय समूह, ठीक है, कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी गई है, कितने, तो 75 को, कितने दी गए दोस्तों 75, यानी कि ऑप्शन नंबर 21 का डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों 22 नंबर सवाल देखिएगा, 22 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, इधर क्या दोस्तों अभिलेख है, याद रखिएगा, इधर संबंधित शासक है, एरन अभिलेख, भानुगुप्त, ये दोस्तों सही है, ठीक है, मंद संदौर अभिलेख, कुमारगुप्त, ये भी सही है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त, ये भी सही है दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, महरौली स्तंभ लेख, चंद्रगुप्त प्रथम, गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, यानी कि क्या हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही नहीं है, यहाँ पे महरौली लौह स्तंभ लेख है दोस्तों, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है, किसका है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा कि महरौली लौह स्तंभ लेख किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खदान फसल कौन है, वह है दोस्तों ज्वार, याद रखिएगा, क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खदान फसल कौन सी है, वह है दोस्तों ज्वार, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 24 नंबर सवाल देखिएगा, 24 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सबसे पहला कथन है कि राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं,
इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ये सही है दोस्तों, ठीक है, संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, याद रखिएगा, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल 352 है दोस्तों, याद रखिएगा, तीन आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है दोस्तों, याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन दोस्तों ये अनुच्छेद 356 में है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है दोस्तों। ये तीन आपातकाल है, 352, 356, 360, तीनों को याद रखिएगा। 352 में क्या है दोस्तों, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रपति शासन है दोस्तों ये 356 में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपातकाल 360 में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल है कि मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं, तो पोतनीस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पोतनीस। याद रखिएगा कि मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते हैं, पोतनीस कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत के निम्नलिखित नगरों में कहां पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है, ये कोलकाता में होती है, कहां होती है, कोलकाता, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से कहां पर, तो कोलकाता में सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला दोस्तों आपके सामने 27 नंबर सवाल है, देखिएगा 27 नंबर सवाल आपके सामने है कि अनुच्छेद 352 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून संघ के सभी राज्यों पर लागू होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं संघ के सभी राज्यों पर लागू होगा, गलत है दोस्तों, संघ के सभी राज्यों पर लागू नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों कि राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन तो की जा सकती है परंतु समाप्त नहीं, गलत है दोस्तों, समाप्त की जा सकती है, केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है, यह सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 27 का सी हो जाएगा, केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है, ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों 28 नंबर सवाल देखिएगा, 28 नंबर है कि अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है, तो रंपा विद्रोह, कौन से संदर्भ में, रंपा विद्रोह के संदर्भ में आता है, याद रखिएगा अल्लूरी सीताराम राजू का जो नाम है ये रंपा विद्रोह के संदर्भ में आता है। अगला दोस्तों 29 नंबर कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, वह है दोस्तों याद रखिएगा पनामा नहर है, ठीक है, पनामा नहर दोस्तों ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 30 नंबर सवाल देखिएगा, यहां पे 30 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है, याद रखिएगा कि नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, यह है दोस्तों 27, याद रखिएगा कितनी है, नक्षत्र की जो कुल संख्या है वो है दोस्तों 27, ठीक है। अगला है दोस्तों 31 नंबर सवाल आपके सामने है, 31 नंबर सवाल देखेंगे, देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सबसे पहला कथन क्या है दोस्तों, सबसे पहला कथन आपके सामने है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है दोस्तों, ये दोस्तों सही है, क्या है दोस्तों, भाषा का दर्जा दे सकता है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, ये दोस्तों गलत है, ठीक है, याद रखिएगा, केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सा सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है दोस्तों 32 नंबर सवाल आपके सामने है, 32 नंबर है कि शल्य चिकित्सा का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो सुश्रुत को, याद रखिएगा सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 33 नंबर सवाल देखिएगा, 33 नंबर सवाल आपके सामने है कि पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है दोस्तों, याद रखिएगा कि इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, गलत है दोस्तों, इसमें पूर्वोत्तर के कुल 7 राज्य शामिल है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं, ठीक है, कि इस परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है, पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है, ये सही है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, कौन सा एक सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं, 34 नंबर सवाल देखिएगा। 34 नंबर है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की। दोस्तों याद रखिएगा किसने किया, तो औरंगजेब। ठीक है, याद रखिएगा कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में, तो औरंगजेब के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना किए थे। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था, 1707 में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, याद रखिएगा। औरंगजेब ने, याद रखिए दोस्तों कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को किले में बंद करके रखा था। दोस्तों अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 में अमरकोट में हुआ था। याद रखिएगा कि 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं 35 नंबर सवाल देखिएगा। 35 नंबर सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आम्रवर्षा केरल, ये दोस्तों सही है। फूलों वाली बौछार कर्नाटक, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, क्या है दोस्तों, गलत है, ये सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, ये सही है दोस्तों। लू बिहार, ये सही है दोस्तों। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल आपके सामने है कि कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। दोस्तों कौन सा, तो आयन मंडल। याद रखिए क्या हो जाएगा, आयन मंडल दोस्तों। ठीक है, यानी कि कौन सा वायुमंडलीय परत, तो आयन मंडल जो है रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। अगला है दोस्तों 37 नंबर कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी कि उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी अनुच्छेद 239 ख। ठीक है, संविधान किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 239 ख के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 38 नंबर सवाल देखिएगा। 38 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों, 38 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाकुलर स्पिरिट एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। गलत दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड रिपन को, अगर बात करेंगे दोस्तों कि लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित नहीं किया था। ठीक है, पारित नहीं किया था बल्कि रद्द किया था, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर वन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे कि 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द नहीं किया था। दोस्तों याद रखिएगा कि लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द नहीं किया था बल्कि लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था। ठीक है, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड लिटन ने क्या लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। यहां पे दोनों क्या है दोस्तों, मिस्टेक है, यानी कि दोनों ऑप्शन वन भी गलत है और टू भी गलत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका देखते हैं। यहां पे देखिएगा कि कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 39 नंबर सवाल कि किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये टोंस नदी पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा कि किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, टोंस नदी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है, तो ईद उल फितर को कहा जाता है। याद रखिएगा, ईद उल फितर को भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को, तो ईद उल फितर को मीठी ईद कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 41 नंबर सवाल देखिए। 41 नंबर सवाल है कि भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है, यह अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों। यह अनुच्छेद है दोस्तों, याद रखिएगा 267, यानी कि 267 अनुच्छेद है। ठीक है, तो भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है, यह अनुच्छेद कौन सा है, 267। ठीक है, अगला देखेंगे 42 नंबर सवाल देखिएगा। 42 नंबर सवाल है कि कांग्रेस किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है, तो लखनऊ अधिवेशन 1936। ठीक है, याद रखिएगा किस अनुच्छेद, किस अधिवेशन में, तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। ठीक है, कांग्रेस किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। याद रखिएगा दोस्तों, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, ये 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, कराची अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, ये 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। याद रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, जैसे कि दोस्तों याद रखिएगा 1907 का अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में हुआ था, सूरत
सूरत अधिवेशन, ठीक है, 1916 में हुआ था दोस्तों लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किए थे, 1925 में हुआ था दोस्तों कानपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किए थे, 1924 में हुआ था दोस्तों याद रखिएगा बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दोस्तों महात्मा गांधी 1924 का बेलगांव अधिवेशन, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 43 नंबर सवाल, 43 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है दोस्तों, तो सलसेट, याद रखिएगा सलसेट एक द्वीप है दोस्तों जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है, याद रखिएगा, ठीक है, तो सलसेट क्या है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। अगला देखेंगे 44 नंबर सवाल, देखिएगा 44 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों, 44 नंबर सवाल क्या है कि धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद किस में है दोस्तों, अनुच्छेद 110 में, ठीक है, याद रखिएगा कि धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। सबसे पहले बात करेंगे कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये गलत, ये सही है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे, देखिए अगर बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, केवल देखिए यहाँ पे अगर बात करेंगे दोस्तों धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है दोस्तों, केवल जो है धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है, गलत है दोस्तों। धन विधेयक को राज्यसभा ना तो संशोधित कर सकती है, ना ही खारिज कर सकती है, और ना ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है, गलत दोस्तों, सही है, नहीं कर सकती है। अगला है, अगला दोस्तों आपके सामने कि धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही दोस्तों, नहीं कर सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों और ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 1 और 4 सही है, 2 और 3 दोस्तों गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। धन विधेयक जो उल्लेख है दोस्तों ये अनुच्छेद 110 में है। अगला है 45 नंबर सवाल, 45 है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी ने काकोरी डकैती कांड का अंजाम कब दिया था, यह दिया था दोस्तों 1925 में, यानी कि 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का अंजाम दिया था 9 अगस्त 1925 को। अगला है दोस्तों 46 नंबर सवाल कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है दोस्तों, ये सही है, याद रखिएगा कि पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों प्रशांत महासागर, याद रखिएगा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा कौन सा महासागर है दोस्तों, ये प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, जिसको हम लोग मेरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि 1 इसका सही है। आइए और ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, इसका 2 नंबर ऑप्शन है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान के वृद्धि से ला नीना का उत्पत्ति होता है, ये भी सही है, मौसम पर एल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किसका, तो 46 का, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों 47 नंबर सवाल आपके सामने है कि वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों पर है दोस्तों, याद रखिएगा कितने हैं दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर बात करेंगे दोस्तों याद रखिएगा 4 है दोस्तों, ठीक है, तो वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय है, तो 4 ऐसे उच्च न्यायालय है जिनकी अधिकारिता जो है ये 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों पर है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 48 नंबर सवाल, देखिएगा 48 नंबर सवाल है कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं, उपयुक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था दोस्तों लाल बहादुर, सॉरी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों, अगला है दोस्तों 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा कौन सा बादल, तो वर्षा स्तरी बादल, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल, तो वर्षा स्तरी बादल जो है ये अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 50 नंबर सवाल, देखिए 50 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा राग भैरवी दोस्तों सुमेलित है दोस्तों प्रातःकाल, राग मल्हार वर्षा ऋतु ये भी सुमेलित है दोस्तों, दोनों सुमेलित है, राग हिंडोल
शीत ऋतु, ये गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों 51 नंबर सवाल। देखिए 51 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है, तो नाभि रज्जु। याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सा अंग, तो नाभि रज्जु जो है ये माता और गर्भ के बीच संपर्क का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 52 नंबर सवाल। देखिए 52 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहला कथन है कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है दोस्तों, गलत है दोस्तों, ये सही नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथेनोइक अम्ल होता है दोस्तों। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, यानी कि 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला दोस्तों 53 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला कथन है कि एम्पियर इक्वल टू ओम बटा बोल्ट होता है, ये गलत है दोस्तों। बोल्ट इक्वल टू एम्पियर बटा ओम होता है, ये भी गलत है। वोल्ट इक्वल टू ओम बटा एम्पियर होता है, ये भी गलत है दोस्तों। एम्पियर इक्वल टू बोल्ट बटा ओम होता है, ये सही है दोस्तों। यानी कि एम्पियर बराबर बोल्ट बटा ओम होता है। ठीक है, 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दोस्तों 54 नंबर सवाल कि कोशिका की राजधानी को चारों ओर से, कोशिका की राजधानी के चारों ओर से ठीक है घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। अगला है 55 नंबर कि मानव शरीर का पीएच मान रहता है दोस्तों, तो 7 से 7 पॉइंट के बीच रहता है, याद रखिएगा 7 से 7 पॉइंट के बीच मानव शरीर का पीएच मान होता है। ठीक है, अगला देखेंगे 56 नंबर सवाल आपके सामने है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 गुना। याद रखिएगा कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 57 नंबर सवाल। देखिए 57 नंबर है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेह की तरह हो जाता है जिसे चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाइल, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, अगला है दोस्तों 2nd नंबर कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन, ठीक है भोजन का, अगला दोस्तों कि छोटी आंत में पूर्ण भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है जिसे काइम कहते हैं, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, अगला दोस्तों 3rd नंबर कि छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है, ये सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा इलियम के विलाई के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है दोस्तों, यानी कि केवल एक सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपके सामने 58 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन, याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है दोस्तों। तो जल का उबलना क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। लोहे का पिघलना दोस्तों भौतिक परिवर्तन। जलवाष्प काश संघनन भौतिक परिवर्तन। कोयले का जलना दोस्तों ये है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोयले का जलना क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों 59 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है, एक समान चाल को प्रदर्शित कौन करता है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वाला जो दोस्तों एक समान चाल को प्रदर्शित करता है, ठीक है याद रखिएगा ये एक समान चाल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो एक समान चाल को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपके सामने दोस्तों 60 नंबर सवाल। देखिएगा 60 नंबर सवाल है दोस्तों कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद किस में दोस्तों, तो अनुच्छेद 148 में है, याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 148 में कितने विभागों में विभक्त किया है, तो 5, कितने विभागों में, 5 विभागों में विभक्त किया है। अगला दोस्तों 61 नंबर सवाल कि मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो ऑटो एनालाइजर। ठीक है, किसकी जांच में लाया जाता है, ऑटो एनालाइजर। तो मनुष्य शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है, ऑटो एनालाइजर। सबसे पहले बात करें ग्लूकोज रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, याद रखिएगा C6H12O6 ये ग्लूकोज रासायनिक सूत्र होता है। यूरिया का क्या होता है दोस्तों, तो NH2CO होता है, याद रखिएगा NH2CO होता है दोस्तों, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 62 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि कथन 1
और कथन टू है दोस्तों। कथन वन क्या है कि सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ये सही है दोस्तों। सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 62 का ऑप्शन अगर हम बात करेंगे, कथन वन कथन दो दोनों सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कथन वन और कथन दो दोनों सत्य है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। तो 63 नंबर सवाल है दोस्तों, ये आपका दोस्तों, ये है दोस्तों शायद मैथ का सवाल है ये दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बना लीजिएगा, ठीक है। 63 का 64 नंबर देखते हैं दोस्तों। 64 नंबर सवाल आपके सामने है कि उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है दोस्तों। याद रखिएगा, कमी आती है, क्या होती है, कमी आती है। यानी कि उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है, कमी आती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 65 नंबर सवाल। 65 नंबर है कि घूम कोहरा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मॉग, क्या है दोस्तों, ये है कोहरा एवं धुआं का मिश्रण। याद रखिएगा, कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है कौन, घूम कोहरा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला दोस्तों आपके सामने 66 नंबर सवाल। 66 नंबर है कि इनमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होता है दोस्तों, तो गामा किरण का, किसका होता है, गामा किरण, ठीक है। याद रखिएगा कि इनमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग, तो गामा किरण स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होता है। अगला दोस्तों 67 नंबर कि पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा विसरण का, किसका होता है, विसरण प्रक्रिया का उपयोग होता है, ठीक है। तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का प्रयोग होता है, विसरण का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं 68 नंबर सवाल कि सोडियम नाइट्रिक अम्ल, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है दोस्तों, ये होती है, याद रखिएगा 98% होता है, कितना होता है, 98%। अगला दोस्तों 69 नंबर सवाल है कि कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र, ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे नेत्र लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को मोतिया बिंद कहते हैं, क्या कहते हैं, मोतिया बिंद, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है दोस्तों, किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों 70 नंबर सवाल। 70 नंबर सवाल है कि अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर कौन से सही नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों कि इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्या दोस्तों, ये सही है, ठीक है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक है दोस्तों, ये भी सही है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी दोस्तों, ये भी सही है। यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, ये स्वदेशी है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही नहीं है। यह पूर्णतः क्या है दोस्तों, स्वदेशी है, ठीक है, यानी कि 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 71 नंबर सवाल। 71 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है दोस्तों, याद रखिएगा किसमें होता है, तो कॉकरोच और तथा सिल्वर फिश में होता है, याद रखिएगा कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 71 का सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 72 नंबर सवाल देखिएगा। तो 72 नंबर सवाल आपके सामने है, 72 नंबर सवाल है कि कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है, क्यों नहीं देता है, क्योंकि कठोर जल, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अपक्षय बनाते दोस्तों, यानी कि 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं अगला, सॉरी 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, 73 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए 73 है कि घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणीक्रम में ना जोड़ने के कारण है, क्या है दोस्तों, तो स्विच बंद करने पर कभी उपकरण बंद हो जाएगा, ठीक है, स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं कि स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। बिजली की खपत अधिक करते हैं, ये गलत है दोस्तों। पावर क्षमता बहुत अधिक होती है, ये भी गलत है। उच्च धारा के कारण उपकरण की क्षति होती है, ये भी गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, क्या है दोस्तों, केवल एक सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 74 नंबर सवाल देखिएगा। यहाँ पे 74 नंबर सवाल आपके सामने है कि कथन वन डीएनए को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। कथन टू है कि जीन को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, डीएनए को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है और डीएनए को, ठीक है, जीन को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, यानी कथन वन तथा कथन टू क्या दोस्तों, ये दोनों असत्य है, ठीक है, याद रखिए कथन टू और कथन वन जो दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों कथन असत्य है, ठीक है। डीएनए को अनुवांशिक इकाई नहीं कहा जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर वन भी गलत है, ठीक है। जीन को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, ये भी गलत है दोस्तों, यानी कि कथन वन कथन दो दोनों क्या है, असत्य है।
अगला देखते हैं 75 नंबर सवाल, देखिएगा 75 नंबर है कि निम्न में से कौन सा तत्वों के आयन विभव को सही क्रम में दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिथियम, ठीक है, बोरॉन, बेरियम, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 73 का। अगला दोस्तों 74 नंबर सवाल है कि एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है, इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खपत होगी, यानी 76 का ऑप्शन नंबर देखते हैं दोस्तों कितना होगा, ये होगा दोस्तों 25 यूनिट, याद रखिएगा कितना होगा 25 यूनिट, नहीं दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों अगर बात करते हैं 25 यूनिट नहीं होगा, ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 यूनिट होगा, ठीक है। अगला दोस्तों 77 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है दोस्तों, किस में होता है, तो ये कवक में होता है, याद रखिएगा किस निम्न में से किस जीव में, तो कवक में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 78 नंबर सवाल आपके सामने है कि एक वैनिल का उपयोग होता है, याद रखिएगा अवसाद मिटाने में, ठीक है याद दोस्तों कि इक्वैनिल का जो उपयोग होता है ये अवसाद मिटाने में होता है। अगला है 79 नंबर कि 30 न्यूटन का बल 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा वस्तु का त्वरण क्या होगा, याद रखिएगा दोस्तों ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगला देखते हैं 80 नंबर सवाल आपके सामने है, 80 नंबर है कि निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है, किसमें होती है दोस्तों याद रखिएगा, तो एलिटेम में होती है, किसमें होती है एलिटेम, ठीक है, तो किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में, तो एलिटेम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है, ठीक है। अगला 81 नंबर है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, याद रखिएगा यह है दोस्तों याद रखिएगा कि सैफ अहमद, ठीक है सैफ अहमद जो है ये वर्तमान में क्या है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है सैफ अहमद, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 82 नंबर सवाल आपके सामने है, 82 नंबर है कि मैग्नीज के उत्पाद में किस राज्य का स्थान प्रथम है दोस्तों, याद रखिएगा तो मध्य प्रदेश का, ठीक है मैग्नीज के उत्पाद में किस राज्य का स्थान प्रथम है मध्य प्रदेश। अगला 83 नंबर कि किस राज्य के जलगांव किला को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों, याद रखिए किस राज्य के, तो याद रखिएगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के, ठीक है महाराष्ट्र राज्य के जलगांव किला को जीआई टैग दिया गया है। अगला देखेंगे 84 नंबर सवाल, देखिएगा 84 नंबर सवाल है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया दोस्तों, याद रखिएगा तो मनोज प्रभाकर को, किसको नियुक्त किया गया है मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला है दोस्तों 85 नंबर कि किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया दोस्तों, तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने, याद रखिएगा इजराइल के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया, इजराइल का स्थान क्या है दोस्तों जेरूसलम है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 86 नंबर सवाल आपके सामने है कि मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा जीता है दोस्तों याद रखिएगा आर्या बालपेकर, ठीक है आर्या बालपेकर जो है ये मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है आर्या बालपेकर। अगला 87 नंबर कि किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है, ये तो किया दोस्तों दक्षिण कोरिया, किसने किया है दक्षिण कोरिया ने अपना पहला चंद्रमा मिशन जो है दानुरी को लॉन्च किया, दक्षिण कोरिया राजधानी किया दोस्तों सियोल, उत्तरी कोरिया राजधानी दोस्तों प्योंगपांग, याद रखिएगा ईरान की राजधानी तेहरान, जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है चलिए याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 88 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत सरकार ने किस देश को हराकर सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है दोस्तों, तो बांग्लादेश को हराकर, याद रखिएगा कि भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है, ठीक है चलिए अगला देखेंगे 89 नंबर सवाल, देखिएगा यहाँ पे 89 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि किस राज्य के द्वारा, ठीक है याद रखिएगा कि किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तु योजना को शुरू किया गया है, किस राज्य के द्वारा, तो कर्नाटक के द्वारा, याद रखिएगा कि कर्नाटक राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तु योजना को शुरू किया गया है। अगला है 90 नंबर सवाल है कि पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है दोस्तों, ये है दोस्तों याद रखिएगा सोजर्ड मारिन, ठीक है सोजर्ड जो मारिन है ये पुस्तक विल पावर के लेखक हैं, ठीक है चलिए अगला देखेंगे 91 नंबर सवाल आपके सामने है, 91 नंबर है कि हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है दोस्तों, ये चीन को हराकर कांस्य पदक जीता, याद रखिएगा कि हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर, तो चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है। अगला है 92 नंबर कि 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की
ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो मोहम्मद आरिफ खान। कौन है? मोहम्मद आरिफ खान, यानी कि ऑप्शन नंबर 92 का बी हो जाएगा। अगर दोस्तों 93 नंबर सवाल आपके सामने है कि 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है रणवीर सिंह को। याद रखिएगा 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को दिया गया है। अगला 94 नंबर कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है अदेम पट्टा माउटियम। किसे दिया गया दोस्तों? आदिम पटा माउटियम को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 95 नंबर सवाल आपके सामने है कि शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों? यह है दोस्तों, याद रखिएगा, यह है छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिएगा कि शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। अगला 96 नंबर कि किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? यह क्या है दोस्तों? ESA। किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ESA। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अगला है 97 नंबर सवाल है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो 85वां है। याद रखिएगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का जो स्थान है ये 85वां है। अगला 98 नंबर सवाल है कि भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? ये किया गया था, याद रखिएगा, 16 जनवरी 2021 को किया गया था। याद रखिएगा 16 जनवरी 2021 को भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला दोस्तों 99 नंबर सवाल आपके सामने है कि 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा, याद रखिएगा, ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, याद रखिएगा कि 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का जो आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्या दोस्तों? कैनबरा। याद रखिएगा 100वां नंबर सवाल है और जो आज का लास्ट सवाल है दोस्तों कि भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है? ये लक्षद्वीप बना है दोस्तों। याद रखिएगा कि भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या दोस्तों? कवरत्ती। याद रखिएगा अंडमान निकोबार की राजधानी क्या दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पुदुचेरी राजधानी क्या दोस्तों? पुदुचेरी। दिल्ली राजधानी क्या है दोस्तों? नई दिल्ली। ठीक है, वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों? तो 28 राज्य है और 8 केंद्रशासित प्रदेश है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 दोस्तों, जो ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों आज का जो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है दोस्तों? कौन सा हुई है? तो ब्राही, खरोष्ठी एवं अरामाइक। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1 का, यानी निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? तो ब्राही लिपि, खरोष्ठी एवं अरामाइक लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 का। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल दोस्तों। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि भारत के प्राचीनतम पंचमार्ड सिक्के प्रमुखता किस धातु के बने होते थे? किस धातु बने होते थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चांदी के बने होते थे। ठीक है, भारत के प्राचीनतम पंचमार्ड सिक्के मुक्ता किस धातु के बने होते थे? चांदी के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको दोस्तों 3 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे तो रंगपुर दोस्तों, याद रखिएगा, अगर बात करेंगे कि कालीबंगा दोस्तों, याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु। ठीक है, अगर बात करेंगे कि राखीगढ़ी कहाँ है दोस्तों, तो हरियाणा में, और रंगपुर दोस्तों ये गुजरात में है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग देखेंगे तो ए का क्या है दोस्तों? ए का 4। ठीक है, तो ए का 4 किसमें? बी और सी दोनों में दोस्तों। बी का क्या है दोस्तों? 1 है, तो बी का 1 किसमें है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। रंगपुर गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा, और मोहनजोदड़ो सिंधु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखेंगे, 4 नंबर सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक क्या दोस्तों? संहिता है, उधर क्या है? और विषय वर्णन। अगर बात करेंगे कि ऋग्वेद, ऋग्वेद बात करेंगे दोस्तों तो देवताओं की स्तुति हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। सामवेद दोस्तों गायन हो जाएगा दोस्तों। अर्थोवेद तंत्र मंत्र, उसके बाद फिर यजुर्वेद ऋचाएं तथा कर्मकांड, उसके हिसाब से आप मिला लीजिएगा। वेद कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ठीक है, सामवेद में गीत का उल्लेख किया गया है, ठीक है, गान का, अर्थवेद में तंत्र मंत्र जादू टोना के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके हिसाब से आप मिला लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 5 नंबर सवाल है कि महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है,
किस बौद्ध परिषद की कृति है दोस्तों, याद रखिए किस बौद्ध परिषद की है, तो चतुर्थ बौद्ध परिषद की है। किस बौद्ध परिषद की है, चतुर्थ बौद्ध परिषद की है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ दोस्तों, तो राजगिरी में हुआ था, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम परिषद कब, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों याद रखिएगा, ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और तृतीय जो हुआ था 251 ईसापूर्व में हुआ था। और चतुर्थ जो हुआ था दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में, ये कब हुआ था, तो प्रथम शताब्दी ईसापूर्व में हुआ था दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सामने 6 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक अशोक के राज क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया दोस्तों। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन, देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे तो बात करेंगे दोस्तों, तो धौली मुख्य, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, धौली मुख्य शिला राजदेश में उपस्थित है, ठीक है। अगला दोस्तों 7 नंबर सवाल कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी। याद रखिएगा ये कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये गुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन आया था दोस्तों, याद रखिएगा फाहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था दोस्तों, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर सवाल, देखिएगा चोल साम्राज्य के संदर्भ में, ठीक है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कि इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ था, ये भी सही है दोस्तों। चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की थी, ये सही, यानी कि 1, 2 दोनों सही है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला दोस्तों 9 नंबर सवाल कि गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो गजनवी राजवंश की जो स्थापना किए थे ये अलप्तगीन ने किए थे, किसने किए थे, अलप्तगीन ने गजनवी राजवंश की स्थापना किए थे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 10 नंबर सवाल, देखिएगा 10 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित करता है दोस्तों, याद रखिए किसे निरूपित करता है। अगर बात करेंगे कि अर्घट जो है ये किसे निरूपित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भूमि के सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हीलर, ठीक है। ये निरूपित करता है अर्घट किसको, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का। अगला दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 है कि अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था दोस्तों, किसने किया था, तो मलिक कफूर ने किया था, किसने किया था, मलिक कफूर, ठीक है। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने, तो मलिक कफूर ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 12 नंबर सवाल, देखिए दोस्तों आपके सामने 12 नंबर सवाल है कि अकबर के दरबार के सुलेखकार का नया क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा क्या दोस्तों, तो मोहम्मद हुसैन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों मोहम्मद हुसैन, जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया, कौन है दोस्तों, मोहम्मद हुसैन, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों 13 नंबर सवाल आपके सामने है, सूची वन को सूची टू से मिलाना है दोस्तों। अगर बात करेंगे सूची वन में क्या है, नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि पोलज कहलाता है, ठीक है। एक या दो वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करना, ठीक है, क्या कहलाता है, परती कहलाता है। दो से तीन वर्ष परती रहना चाचड़ कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, चाचड़। 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाली परती भूमि क्या कहलाता है दोस्तों, बंजर कहलाता है, ठीक है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा दोस्तों, सी का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके हिसाब से आप मिला लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 14 नंबर सवाल, देखिए दोस्तों 14 नंबर है कि निजाम उल्क मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर बात करेंगे दोस्तों कि इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो निजाम उल्क मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसने केंद्रीय मुल्क सत्ता से अपनी स्वतंत्रता खुलेआम घोषणा की थी, ये सही नहीं है दोस्तों। इसने हैदराबाद की स्थापना की थी, ये सही है दोस्तों, ठीक है। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई, ये भी सही है। वह 1722 ईस्वी में वजीर बना था, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही नहीं है। अगला देखेंगे दोस्तों 15 नंबर सवाल, देखिएगा 15 नंबर सवाल है दोस्तों क्या है, कर्नाटक युद्ध के समय में निम्नलिखित विचार कीजिए, जैसे कि प्रथम युद्ध है दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध, पांडिचेरी की संधि दोस्तों, ये क्या है, गलत है। अगर बात करें द्वितीय कर्नाटक संधि, एक्स ला
चैपल संधि, ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है, दोनों गलत है। अगर बात करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध पेदी संधि हुआ था, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है, यानी कि केवल तीन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल तीन सही है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 16 नंबर सवाल देखिएगा। 16 नंबर सवाल आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था, तो दिल्ली पर दोस्तों। याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था, तो दिल्ली पर किया था। तो दिल्ली से कितने नेतृत्व किया था दोस्तों विद्रोह का, तो बहादुर शाह जफर ने किया था, याद रखिएगा। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था दोस्तों। झांसी से कितने किया था, झांसी बाई रानी ने किए थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि भारतीय पूर्ण जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि ब्राह्मण समाज के विपरीत प्रार्थना समाज की एकेश्वरवादी दर्शन में आस्था नहीं थी, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, क्या है, ये गलत है। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की थी, ये सही है दोस्तों। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुल्लंघनीय है, ये सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर दो और तीन क्या है दोस्तों, सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो और तीन सही पूछा है दोस्तों, क्या दो और तीन क्या है, सही है। अगर बात करें दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था, याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत कर दिया था 1829 में। 1828 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से, क्या दोस्तों, याद रखिएगा, सती प्रथा को अंत कर दिया गया था 1829 में, और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला आपके सामने दोस्तों 18 नंबर सवाल है, देखिए 18 नंबर सवाल है कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। सबसे पहला कथन है उन्होंने मराठी में केसरी, ठीक है, केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, ये सही है दोस्तों, ठीक है। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया, ये भी सही है, ठीक है। 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में न कर चुकाने का आंदोलन चलाया, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों सही है, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला देखते हैं, 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों, 1905 में हुआ था, याद रखिएगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों 2, 1, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 2, 1, 3, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले अगर बात करेंगे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में, जिसके अध्यक्षता किसने, दास बिहारी घोष ने किया था दोस्तों। मुस्लिम लीग का स्थापना किसने किया था, तो आगा खान ने किया था, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन है कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये सही है दोस्तों। गांधी जी 1893 में कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो 9 जनवरी, ठीक है, याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए 9 जनवरी को भारत में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए और कथन देखते हैं क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, देखिए और कथन है दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कि गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, ये भी सही है दोस्तों। अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा से शुरू किया था, नहीं दोस्तों खेड़ा से शुरू नहीं किए थे, आपको पता ही है, ये गलत हो जाएगा। खेड़ा शुरू सत्याग्रह कहाँ से किए थे, चंपारण से शुरू किए थे, ठीक है। तो एक और दो क्या है दोस्तों, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक और दो सही है, बाकी 3 ऑप्शन नंबर गलत है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने, 21 नंबर सवाल है। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम दो देशों की सीमा स्पर्श करता है, तो बात करेंगे दोस्तों सिक्किम तो दो देशों के साथ करता ही है, पश्चिम बंगाल भी करता है दोस्तों, असम भी करता है, यानी कि वो 1, 2, 4, मणिपुर नहीं करता है दोस्तों, याद रखिएगा मणिपुर क्या करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 4 जो है सिक्किम पश्चिम बंगाल और असम जो है ये कम से कम दो देशों के साथ सीमा स्पर्श करता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 22 नंबर सवाल देखिएगा। तो 22 नंबर सवाल आपके सामने है कि पेन गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टाने पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, तो पाई जाती है ये, अगर बात करेंगे कुडप्पा समूह की चट्टाने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पेन गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः
किस प्रकार की चट्टाने पाई जाती है, तो कुडप्पा समूह की चट्टाने पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का सी हो जाएगा। गोदावरी नदी की को वृद्ध गंगा या भारत दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों, गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा गोदावरी नदी की लंबाई कितना है 1465 किलोमीटर, ठीक है। अगला 23 नंबर कि निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है दोस्तों, याद रखिएगा यह आर्कियन तंत्र में, ठीक है। तो किस तंत्र में, किस में, तो आर्कियन तंत्र में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 नंबर है कि निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो दून कहते हैं, याद रखिएगा कि निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं, दून कहते हैं दोस्तों। अगला है 25 नंबर कि 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है दोस्तों, याद रखिएगा तो ये है दोस्तों अमीनी द्वीप व कनामोरे द्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अमीनी द्वीप व कनामोरे द्वीप जो है ये 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है, ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों 26 नंबर सवाल देखिएगा। 26 नंबर है कि उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय शिखराओं के निर्माण का सही क्रम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा अगर बात करेंगे तो सही क्रम हो जाएगा दोस्तों काराकोरम, ठीक है, उसके बाद लद्दाख, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा काराकोरम लद्दाख, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों जास्कर, उसके बाद पटकाई भोग, यानी कि 3421, 3421, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है, ठीक है। 27 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने, 27 नंबर सवाल देखिएगा। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सूची वन को सूची टू से मिलाना है दोस्तों, इधर क्या है झील है दोस्तों, तो झील के प्रकार है, ठीक है। देखिएगा भीम ताल हो जाएगा दोस्तों विवर्तनिकी, विवर्तनिक, ठीक है दोस्तों। अष्टमुडी, याद रखिएगा दोस्तों अष्टमुडी क्या हो जाएगा, लैगून। गोहना दोस्तों याद रखिएगा भूस्खलन, और लोनार क्या हो जाएगा दोस्तों क्रेटर, ठीक है। यानी कि याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए का 3, ए का 3 दोस्तों, ठीक है, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 27 का। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला दोस्तों 28 नंबर सवाल देखिएगा। 28 नंबर है कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है दोस्तों, तो पश्चिमी घाट में होती है, याद रखिएगा पश्चिमी घाट में 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है, याद रखिएगा दोस्तों। आइए और ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट में दोस्तों 200 सेंटीमीटर या 200 से अधिक वर्षा नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा कोरोमंडल तट में नहीं होती है, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र में होती है दोस्तों, मेघालय की पहाड़ियां में होती है, यानी कि 1-3-4, ठीक है, याद रखिएगा 1-3-4, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी कि कोरोमंडल तट में नहीं होती है, इसलिए 2 ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, 1-3-4 हो जाएगा, ठीक है। अगला है 29 नंबर कि मोनेक्स किससे संबंध है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों ये मानसून प्रयोग से संबंधित है, ठीक है, मोनेक्स जो है ये मानसून प्रयोग से संबंधित है मोनेक्स। चलिए अगला देखेंगे, 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल है कि भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है दोस्तों, याद रखिएगा यह दोस्तों लाल मृदा, याद रखिएगा भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है लाल मृदा, सबसे ज्यादा कौन सा दोस्तों, तो जलोढ़ मृदा दोस्तों, ठीक है। चलिए काली मृदा को क्या कहा जाए दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 31 नंबर सवाल, सूची वन को सूची टू से मिलाना है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मिलाते हैं तो यहाँ समझिएगा भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर दोस्तों, तो सतलज नदी पर है, ठीक है। टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर है, यानी ए का 4 और डी का 1 हो जाएगा। तो अगर बात करेंगे अष्टमुड़ी दोस्तों चंद्रा पर, ठीक है, और गोहना दोस्तों महानदी पर, ठीक है, यहाँ पे यानी कि ए का क्या हो जाएगा दोस्तों 4, ए का 4, बी का क्या हो जाएगा दोस्तों बी का 3, सी का दोस्तों 2 और डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों, अगला है आपके सामने 32 नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर है कि निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है, यह दोस्तों जावर, ठीक है, जावर क्या है, एक लौह अयस्क खनन नहीं क्षेत्र नहीं है, बल्कि जैसे कि बादाम पहाड़ है दोस्तों, बैलाडीला भी है दोस्तों, अनंतपुर भी है, यानी कि जावर क्या दोस्तों ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 32 का बी हो जाएगा। अगला 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा तो रेणुकूट, ठीक है, रेणुकूट जो है ये लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है, जैसे कि भद्रावती जाना जाता है, सेलम भी जाना जाता है और विशाखापट्टनम भी जाना जाता है, ठीक है, रेणुकूट जो है ये लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल है दोस्तों मिलान करना है, ठीक है, सुमेलित करिए, राष्ट्रीय जलमार्ग है इधर विस्तार है दोस्तों। अगर बात करेंगे कि पूछ रहा है क्या दोस्तों, सवाल क्या पूछ रहा है देखिएगा कि
राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अगर बात करेंगे कौन सा सम्मिलित नहीं है, अगर बात करें दोस्तों कि कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो हमें समझिएगा कि एक दोस्तों NW2 क्या दोस्तों, कोटापुरम कोल्लम, ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। NW3 सादे से धोबरी तक, ये भी सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। NW1 इलाहाबाद, ये सम्मिलित है दोस्तों, ठीक है। NW4 काकीनाडा और पुदुचेरी की नहरें, ये भी सम्मिलित है, यानी कि ऑप्शन 3 और 4 सम्मिलित है दोस्तों, ऑप्शन 1 और 2 सम्मिलित नहीं है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला आपके सामने दोस्तों 35 नंबर सवाल देखिएगा। 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये है दोस्तों, अगर बात करेंगे दोस्तों समझिएगा यहाँ पे, तो पुदुचेरी का दोस्तों, ठीक है। तो पुदुचेरी का जो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो पुदुचेरी का लिंगानुपात सर्वाधिक है दोस्तों। पुदुचेरी में कितना जिला है दोस्तों, याद रखिएगा, पुदुचेरी में 4 जिला है, कौन कौन सा, पुदुचेरी, यमन, कराईकल और माहे, ठीक है, याद गया। लक्षद्वीप की राजधानी क्या दोस्तों, कवरत्ती, ठीक है। अभी वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश कितना है दोस्तों, तो 28 राज्य है और 8 केंद्रशासित प्रदेश है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 36 नंबर सवाल देखिएगा। 36 नंबर सवाल आपके सामने है, 36 के निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं दोस्तों। अगर बात करेंगे कि कौन सी संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो सबसे पहला है या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार, ये सही है दोस्तों। कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, ये भी सही है। संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा, ये भी सही है। राज्य सरकार के केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3, 4 क्या दोस्तों, सही है, ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, और 4 ऑप्शन जो महत्वपूर्ण विशेषताएं नहीं है, ठीक है। अगर बात करेंगे 1, 2, 3, यहाँ पे समझिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। अगला दोस्तों 37 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इधर समिति है दोस्तों, इधर अध्यक्ष है, यहाँ पे देखिएगा, संघ, संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सही है दोस्तों, सम्मिलित है, ठीक है, ये सम्मिलित है दोस्तों। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गलत है। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही है। कार्य संचालन समिति, KM जोशी, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ACD, ठीक है, ACD, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है जो है, ये गलत है, सम्मिलित नहीं है दोस्तों, ठीक है, यानी 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 38 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित राज्यों को उनके निम्न क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, इधर हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम, असम है दोस्तों। अगर बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा, अगर बात करेंगे दोस्तों कि 4 यानी कि असम हो जाएगा दोस्तों, क्रमानुसार अगर व्यवस्थित करना है, असम 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों, असम, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 4, 1, 2, 3, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 39 नंबर सवाल देखिएगा, 39 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है दोस्तों। तो शिक्षा पाने का अधिकार, ये मूल अधिकार है दोस्तों, काम पाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। जैसे कि संगम बनाने का अधिकार है दोस्तों, कोई वृद्धि करने का अधिकार ये भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 2 जो है ये सही उत्तर चुनिए, यानी कि काम पाने का जो अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, केवल 2। चलिए अगला देखते हैं, अगला दोस्तों आपके सामने 40 नंबर सवाल है दोस्तों, 40 नंबर सवाल को आ रहा है कि भारत की राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर बात करेंगे, सबसे पहला कथन है, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने की अवधि तक सदस्य बना रह सकता है, ये गलत है दोस्तों, 6 महीने तक अवधि तक सदस्य बना नहीं रह सकता है, यानी कि गलत है। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेष अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है, ये सही है दोस्तों। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, और क्या 1 गलत है दोस्तों, यानी कि सही उत्तर चुनिए। अगर बात करेंगे तो 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, 2 और 3 सही है। अगला दोस्तों 41 नंबर सवाल है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, अनुच्छेद 160 में, ठीक है, अनुच्छेद 160 में
ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान जो है असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है अनुच्छेद 160 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 42 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 42 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 43 नंबर सवाल कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्देश करे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, 44 नंबर सवाल आपके सामने है कि पूंजी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी दोस्तों, याद रखिएगा यह दोस्तों केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है, पूंजी आयोग जो रिपोर्ट है ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 45 नंबर सवाल देखिए, 45 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा भूमि जो है दोस्तों संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, प्रतिरक्षा सम्मिलित है, बैंकिंग भी सम्मिलित है, वायु सेवा भी सम्मिलित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमि सम्मिलित नहीं है। बात करेंगे कि संघ सूची, राज्य सूची, समर्थन सूची, ठीक है, तीन जो सूची है दोस्तों ये सातवीं अनुसूची में वर्णन किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समर्थन सूची। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दोस्तों 46 नंबर कि वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर की गई थी, सरकार या आयोग की अनुशंसा पर किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद की जो स्थापना है ये सरकार या आयोग की अनुशंसा पर किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल दोस्तों 47 नंबर सवाल देखिएगा, 47 नंबर सवाल है कि जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त हुआ था दोस्तों, तो 26 जनवरी 1957 को, याद रखिएगा 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का जो संविधान है ये प्रवृत्त हुआ था। अगला है 48 नंबर कि स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है दोस्तों, याद रखिएगा तो स्थानीय निकाय के चुनाव को संपन्न करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग, कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन जो आयोग है ये स्थानीय निकाय के चुनाव को संपन्न करवाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। चलिए अगला देखते हैं 49 नंबर सवाल देखिएगा, तो 49 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है दोस्तों, याद रखिए कौन सा सही है, तो बात करेंगे दोस्तों कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए एवं हटाए जाते हैं, ये सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि दोनों गलत है दोस्तों। अगर बात करेंगे ये तो गलत ही है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त हटाए जाते हैं, ये दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों गलत है, ना ही 1 होगा और ना ही 2 होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 49 का। चलिए अगला देखते हैं 50 नंबर सवाल देखिएगा, तो 50 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सबसे पहला कथन है कि भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्वलोकन पर के परे कर दिया, अगर बात करेंगे दोस्तों तो याद रखिएगा ये गलत है दोस्तों। ठीक है, क्या दोस्तों ये गलत है, अगर बात करेंगे कि भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अधिक्रमण करता है, ये सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी केवल 2 सही होगा दोस्तों। ठीक है, याद किया केवल क्या है, 2 सही है 1 गलत है दोस्तों। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हो दोस्तों 51 नंबर सवाल देखिएगा, 51 नंबर सवाल आपके सामने है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है दोस्तों, याद रखिएगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, वो क्या दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 51 का। अगला देखते हैं 52 नंबर सवाल देखिएगा, तो 52 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रश्न बेरोजगारी का अर्थ है दोस्तों, याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना ये प्रश्न बेरोजगारी का अर्थ है। अगला 53 नंबर कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल ह्रास है दोस्तों, यह प्रति व्यक्ति आय, क्या दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास इक्वल टू प्रति व्यक्ति आय, यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों 54 नंबर सवाल देखिएगा, तो 54 नंबर सवाल आपके सामने है कि भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 54 का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 55 नंबर सवाल देखिएगा, 55 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित, ठीक है,
निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक ठीक है क्या करती है, तो ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक क्या करता है, तो ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होता है। अगला दोस्तों 56 नंबर सवाल देखिएगा, देखिए 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि पौधों में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है। यह सही है दोस्तों, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, पौधों में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। यह भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56 का। चलिए अगला देखते हैं 57 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। ठीक है, 57 नंबर सवाल आपके सामने कि निम्न युग्म पर विचार करें। सबसे पहला है मेलाकाइट, ये कॉपर हो जाएगा दोस्तों। क्या है, ये सही है दोस्तों। ठीक है, यानी कि एक सही है, कैलामाइन निकेल ये गलत है दोस्तों, सिडेराइट जिंक ये भी गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 58 नंबर सवाल है कि एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है, इसे न्यूटन के किस गति नियम द्वारा समझाया जा सकता है, तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम से समझाया जा सकता है। किस नसीब से दोस्तों, न्यूटन के तृतीय गति के नियम से समझाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 59 नंबर सवाल दोस्तों। 59 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने, 59 नंबर सवाल है कि पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा तो किसके द्वारा होती है, तो ये परासरण के द्वारा होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि पौधों में जो पानी की आपूर्ति होती है ये किसके द्वारा होती है, तो परासरण के द्वारा होती है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों 60 नंबर सवाल देखिएगा। 60 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कि ओटो गैस के KClO3 द्वारा तैराई में प्रयुक्त उत्प्रेरक NI, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त प्रेरक FE, ये भी गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों गलत है। हैव विधि से NH3 उत्पादन में प्रयुक्त उपकरण प्लेटिनियम, ये भी गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर उपयुक्त में कोई नहीं होगा। ठीक है, कौन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 61 नंबर सवाल आपके सामने है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 100 kg वाहन को 50 मीटर दूरी पर रोक लिया जाता है, रोकने हेतु बल लगाया गया बल का मान होगा दोस्तों क्या होगा, ये 400 न्यूटन होगा दोस्तों। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा कितना होगा दोस्तों, 400 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर 61 का ए हो जाएगा। अगला दोस्तों 62 नंबर सवाल देखिएगा, 62 नंबर सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि थैलोफाइटा समुदाय के पौधों में जड़ तना एवं पत्ती का अभाव होता है, नहीं दोस्तों ये गलत है, जड़ तना पत्ती का अभाव नहीं होता है। ठीक है, गलत है। मांस तथा लीवर वर्ड ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है, गलत दोस्तों, जड़ पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम एवं फ्लोएम पाया जाता है, ये सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है और 1 गलत है दोस्तों। ठीक है, 2 और 3 क्या है दोस्तों, सही है, अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 63 नंबर सवाल है कि जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है, इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसित हो जाती है, इस प्रभाव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, टिंडल प्रभाव। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 64 नंबर सवाल देखिएगा, तो 64 नंबर सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबोने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए, ये सही है दोस्तों। द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु के पलवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए, यह भी सही है। ठीक है, द्रव में अंशतः डूबकर वस्तु के पलवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए, यह भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, किसका, तो 64 का। आइए देखते हैं दोस्तों 65 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 65 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि मिसाइल निर्भय
के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला कथन है कि निर्भय स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये दोस्तों अगर बात करेंगे दोस्तों तो आप समझिएगा कि 65 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ये क्रूज मिसाइल जो है ये पहला नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर एक ही गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 65 का ए। अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है जिसके वजह से यह रडार के पकड़ में आसानी से नहीं आती है। सही है दोस्तों, ये नहीं आती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। यह मिसाइल 800 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। यह मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचने पर इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है और सटीक मौके पर हमला कर सकती है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए किसका, तो 65 का दोस्तों, ठीक है। 66 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, आपके सामने 66 है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने विकसित किया था, किसने किया था, तो नॉर्मन मायर्स ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्मन मायर्स ने जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को पर्यावरणविद ने विकसित किया, नॉर्मन मायर्स। अगला दोस्तों 67 नंबर कि धातु को संक्षारण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन सा उपयुक्त सही नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तन, ठीक है, धातु को पूर्ण शुद्ध रूप में परिवर्तन जो है ये सही नहीं है। अगला दोस्तों 68 नंबर सवाल देखिएगा कि ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है, तारत्व, प्रबलता या गुणता, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ध्वनि के किस गुण के कारण, तो इसमें ऑप्शन ना ए सही है, ना बी सही है, ना सी सही है दोस्तों, यानी किसी गुण के कारण नहीं है, या कान को धीमित असर सुनाई देती है, यानी कि ऑप्शन इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है। अगला 69 नंबर की अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो थॉमस एडिसन को कहा जाता है, याद रखिएगा अंतःस्रावी विज्ञान का जो जनक है ये थॉमस एडिसन को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों 70 नंबर सवाल देखिए, 70 नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 71 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है दोस्तों, 71 नंबर सवाल आपके सामने है, यहाँ पे समझिएगा, 71 नंबर सवाल है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है दोस्तों, तो पास्कल का नियम, ठीक है, याद रखिएगा कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। अगला है 72 नंबर कि निम्नलिखित विटामिन में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद करने में सहायक होता है दोस्तों, कौन सा विटामिन, तो विटामिन B6, याद रखिएगा विटामिन B6 का रसायन नाम क्या होता है दोस्तों, पैराडॉक्सिन होता है, याद रखिएगा विटामिन ए का रसायन नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी होता है। विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों, तो गाजर। विटामिन डी का सही नाम क्या होता है, कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद दोस्तों रिकेट्स होता है, ठीक है। विटामिन सी का सही नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी कमी से अस्कर्वी रोग होता है दोस्तों, मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, आंवला है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 73 नंबर सवाल देखिएगा, 73 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा 73 नंबर कि निम्न में से किस जगत के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है दोस्तों, किस जगत के जीवों में, याद रखिएगा दोस्तों मोलस्का के जगत के जीवों में, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73 का। 74 नंबर सवाल देखिएगा, 74 नंबर सवाल आपके सामने है कि रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा, समूह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है, ये गलत है दोस्तों, यानी कि यही सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है, धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, बाकी सभी सही है दोस्तों, जैसे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी आती है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित रहती, ये भी सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते हैं, ये भी सही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसका, 74 का। अगला दोस्तों आपके सामने 75 नंबर सवाल देखिए, 40 किसी द्रव्यमान की वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर वस्तु मुक्त रूप से गिरा दिया जाता है तो वस्तु ठीक आधे रास्ते में हो तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसका जब आप सॉल्व करिए दोस्तों तो 1 kg होगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 75 का। चलिए अगला देखते हैं, 76 नंबर सवाल देखिए, 76 नंबर सवाल है कि एक आयताकार वर्ग के टुकड़े का आधा हिस्सा सफेद टुकड़े के
सफेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ठीक है। काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है, ठीक है। याद रखिएगा कि काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ जो है एक अधिक आसानी से क्या होती है, पिघलती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 77 नंबर सवाल देखिएगा। 77 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए दोस्तों, अगर बात करेंगे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। अग्निशामकों में पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, ये सही है। विरंजक चून का उत्पादन हेसन क्विलर संयंत्र में होता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है, सही है। एक दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 77 का। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 78 नंबर सवाल देखिएगा। 78 है कि निम्न जीवों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है एगेरिकस एस पजीलस यूलोथ्रिकस अलवा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि उपरोक्त में कौन सा शैवाल है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे कि इनमें से कौन सा शैवाल है, तो यहाँ पे समझिएगा यूलोथ्रिकस जो है दोस्तों ये शैवाल है, यानी कि 3 जो है ये शैवाल है, और 4 यानी कि अलवा जो दोस्तों ये शैवाल है, ठीक है। यानी कि 3 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये शैवाल है यूलोथ्रिकस और अलवा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल आपको सामने है दोस्तों, 79 नंबर सवाल आपको सामने क्या कह रहा है। 79 नंबर है कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, ठीक है। इसे कुछ वर्ष उपरांत उन्होंने जुड़वा पुत्र हुआ। दंपति ने एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है। तीनों पुत्रों एक रुधिर वर्ग ए, दूसरे का बी और तीसरे का ओ है, तो गोद लिए पुत्र का रुधिर वर्ग क्या है दोस्तों, तो ए ओ होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, ओ होगा, ठीक है। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों 80 नंबर सवाल, 80 नंबर है कि एल्युमिनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है परंतु एल्युमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित जंग लगना होता है, क्यों? याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीजन एक रच्छी ऑक्साइड परत बना देती है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन एक रच्छी ऑक्साइड परत बना देती है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों 81 नंबर सवाल देखिएगा, 81 नंबर सवाल है कि एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है, किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो 60 वाट के बल्ब का जो प्रतिरोध है ये न्यूनतम होगा, ठीक है। 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, न्यूनतम। 81 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 82 नंबर सवाल, 82 नंबर सवाल है कि उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं तथा क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो दृढ़ोत्तक उत्तक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दृढ़ोत्तक उत्तक कहलाते हैं। उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, दृढ़ोत्तक उत्तक, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 83 नंबर सवाल समझिएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो ये 7 होगा दोस्तों। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 83 का, 7 होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 84 नंबर सवाल समझिएगा। यहाँ पे 84 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि 10 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी अधिक से अधिक 40 kg संभाल सकता है। पिंड का महत्तम चाल कितना होगा जिससे रस्सी ना टूटे, ठीक है। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 85 नंबर सवाल समझिएगा कि स्पेस शिप 1 क्या है। याद रखिएगा ये प्रथम निजी अंतरिक्ष यान है दोस्तों, याद रखिएगा कि स्पेस शिप 1 है प्रथम निजी अंतरिक्ष यान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 85 का। चलिए अगला देखते हैं 86 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किसका मिलान गलत है दोस्तों। सबसे पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस इधर विजेता है प्रतियोगिता 2022, ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल ये सही है, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ये भी सही है, विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच ये भी सही है दोस्तों, यूएस ओपन नोवाक जोकोविच ये गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 87 नंबर सवाल देखिएगा कि 20वां एशियाई खेल 2026 में कहां आयोजित किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए इसका देखते हैं, 20वां एशियाई खेल इसका आयोजित किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ये किया जाएगा नागोया में, ठीक है। याद कहाँ आयोजित किया जाएगा, नागोया। अगला दोस्तों 88 नंबर कि किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले पुष्टि हुई है, तो केरल में दोस्तों, याद रखिएगा किस राज्य में, तो केरल में
भारत के पहले मॉन्की बॉक्स के मामले पुष्टि हुई है। अगला है 89 नंबर कि किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स रैम विकसित किया दोस्तों, तो ये सैमसंग ने किया। याद रखिएगा कि किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स विकसित जो किया है रैम, ये सैमसंग ने किया है। ठीक है, अगला दोस्तों 90 नंबर सवाल देखिएगा। 90 नंबर सवाल आपके सामने है कि बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 14 जुलाई मनाया जाता है। याद रखिएगा कि बास्टिल दिवस जो मनाया जाता है 14 जुलाई को मनाया जाता है। अगला 91 नंबर कि किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है दोस्तों, किसने लिया है, ये आंध्र प्रदेश ने लिया है। याद रखिएगा कि किस राज्य सरकार ने, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 92 नंबर सवाल देखिएगा, तो 92 नंबर सवाल है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों, ये बन गया दोस्तों उत्तराखंड। याद रखिएगा कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, उत्तराखंड। अगला है 93 नंबर कि 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, तो 22 पदक जीते हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, 22 पदक जीते हैं। ठीक है, अगला है 94 नंबर सवाल देखिएगा। 94 नंबर है कि T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो भुवनेश्वर कुमार बने दोस्तों। याद रखिएगा कि T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, गेंदबाज, भुवनेश्वर कुमार। अगला है 95 नंबर कि एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों, ये बन गया है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कि एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला 96 नंबर देखिएगा। 96 नंबर है कि निम्न में से किसका मिलान गलत है, फॉर्मूला 1 2022 इधर विजेता है दोस्तों, बेल्जियम ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ये सही है, प्रेच ग्रैंड पिक्स चार्ल्स लेक्लर ये ऑप्शन नंबर गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। ठीक है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स चार्ल्स लेक्लर ये सही है, डच ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ये सही है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये क्या है, गलत है। अगला दोस्तों 97 नंबर कि विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, अरुण कुमार झा को। याद रखिएगा कि विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, अरुण कुमार झा को सम्मानित किया गया है। अगला है दोस्तों 98 नंबर सवाल देखिएगा। 98 नंबर है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान गलत है दोस्तों, याद रखिएगा जीव विज्ञान अनिश घोष साकेत सौरभ, यही ऑप्शन नंबर ए दोस्तों गलत है। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका कथन गलत है, तो भौतिकी विज्ञान डॉक्टर कनक साह सही है, रसायन विज्ञान डॉक्टर कनिष्क विश्वास डॉक्टर टी गोविंद राजू, इंजीनियरिंग विज्ञान डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है दोस्तों। अगला 99 नंबर कि एक्स पैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों, ये 36वां, याद रखिएगा। ठीक है, एक्स पैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान क्या है, 36वां। अगला दोस्तों 100 नंबर सवाल जो आज का लास्ट सवाल है दोस्तों, 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों, ये किया जाएगा इंडोनेशिया में। ठीक है, याद रखिएगा कि 17वां G20 सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा, इंडोनेशिया, यानी कहाँ किया गया है, इंडोनेशिया में किया गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमने ज्ञान बुंदी के 100 सवालों को डिस्कस कर चुका दोस्तों, जो सेट नंबर पैटिस नंबर 2 था दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान बिंदु का बिहार दुर्गा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों। तो दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने है, सबसे पहला सवाल देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला दोस्तों कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है दोस्तों, तो ये सही है। ठीक है, भारतीय संविधान बृहद होने का कारण इससे संघ एवं राज्य दोनों सरकार का संविधान समाहित है दोस्तों, तो ये भी सही है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ रहा है कि कथन सत्य है दोस्तों, कौन कौन सा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक और दोनों कथन क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। सेकेंड नंबर सवाल है कि वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की उपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो वह कौन सा संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में से प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार की उपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है दोस्तों, ये भाग 4 में है।
ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। राज्य के नीति निषेधता तो कहां से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला दोस्तों 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का सात मौलिक अधिकार दिए गए थे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 1 भी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा, यानी कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए और 1 और दोनों सत्य है। ठीक है, तो मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। ठीक है, ये सही है। तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है दोस्तों ये कितने हैं, तो ये है दोस्तों वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, याद रखिएगा 6 है। ठीक है, तो उपयुक्त में से दोनों कथन सही है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मूल कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार के बारे में अगर बात करेंगे तो भाग कितना में दोस्तों, तो भाग 3 में है। अनुच्छेद कितना से कितना लेकर, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार का उल्लेख है दोस्तों भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। 4 नंबर सवाल देखिएगा। 4 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि किस संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो साधारण विधेयक, ठीक है, किस संबंध में, तो साधारण विधेयक के संबंध में उत्पन्न विवाद का जो निर्णय है वो हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आहूत की जा सकती है, साधारण विधेयक के उत्पन्न विवाद का। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों कि संयुक्त बैठक का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद 108 में, याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 108 में है दोस्तों। ठीक है, वित्त विधेयक का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद कितना में है, याद रखिएगा अनुच्छेद 117 में है। ठीक है, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान संशोधन विधेयक का जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद कितना में है, अनुच्छेद 368 में है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों, याद रखिएगा। तो सबसे पहला कथन है कि वह लोकसभा का सदस्य होता है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। वह राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी गलत है दोस्तों। वह किसी भी सदन का सदस्य होता है दोस्तों, ये भी गलत है। वह संसद सदस्य नहीं होता है, ये सही है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो दोस्तों, ये क्या है, ये कथन सही है। क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो वह संसद सदस्य नहीं होता है। अगर बात करें वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति दोस्तों जगदीप धनखड़, याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, ठीक है, भारत के। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 6 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 6 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन पर कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, असत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला कथन है कि 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ हुआ था, ये दोस्तों क्या है, ये ही गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाए दोस्तों, ये गलत है। याद रखिएगा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों कानपुर से प्रारंभ नहीं हुआ था, बल्कि मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था, मेरठ से दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि 1857 क्रांति के समय वायसराय कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए अगर देखिएगा कि चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 क्रांति का विद्रोह का तात्कालिक कारण था दोस्तों, यह सही है। ठीक है, मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, यह भी सही है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा आगे क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है कि मंगल पांडे बैरकपुर यानी कि बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फैंट्री का सिपाही था, यह भी सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, 7 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 7 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है कि रंगोली, ये महाराष्ट्र से संबंधित दोस्तों, ये सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अल्पना पश्चिम बंगाल दोस्तों, ये भी सही है। मंडाना राजस्थान, ये भी सही है दोस्तों। अर्पण गुजरात, ये दोस्तों गलत है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अर्पण गुजरात दोस्तों गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, 8 नंबर सवाल देखिएगा। 8 नंबर सवाल आपके सामने है कि ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल बिहार बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था दोस्तों, ये लागू किया था 1793 में, याद रखिएगा कि ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष 1793 को अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल बिहार बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर सवाल देखेंगे, देखिए दोस्तों 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि कौन सी अवधारणा बौद्ध जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है दोस्तों, याद रखिएगा।
कर्मवाद का सिद्धांत। याद रखिएगा कि कौन सी अवधारणा, तो कर्मवाद का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है दोस्तों, कर्मवाद का सिद्धांत। अगला है 10 नंबर कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दोस्तों, याद रखिएगा तो दक्षिण का पठार, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 का। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 11 नंबर सवाल देखिएगा, 11 दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों। सबसे पहला है लोकटक दोस्तों, ये मणिपुर में स्थित है, ये सही है दोस्तों। हुसैन सागर दोस्तों, ये कर्नाटक में नहीं है बल्कि तेलंगाना में है, तेलंगाना के हैदराबाद में, याद रखिएगा हुसैन सागर है दोस्तों, याद रखिएगा तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सम्मिलित क्या है, नहीं है। सांभाजी राजस्थान में स्थित है दोस्तों, सही है दोस्तों। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुसैन सागर दोस्तों कर्नाटक में नहीं है बल्कि तेलंगाना के हैदराबाद में है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, 12 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत उत्पादन का ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है दोस्तों, ये सही है, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन जो है ये ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। अगला कथन 2 है कि जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है दोस्तों, ये सही है, तथा भारत के प्राय सभी भागों में सदनी नदियों की प्रचुरता होता है, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर कथन 1 कथन 2 भी सही है, ठीक है। आइए इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे, समझिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कथन 1 सत्य है, कथन 2 भी सत्य है, कथन 1 की सही व्याख्या कथन 2 द्वारा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 12 का। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 13 नंबर सवाल देखिएगा, 13 नंबर सवाल आपके सामने है कि विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 7 दिसंबर को, ठीक है, 7 दिसंबर को विश्व नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है, 7 दिसंबर को, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, 14 नंबर सवाल कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है दोस्तों, याद रखिएगा कि मानसूनी जलवायु का प्रमुख विशेषता है वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है, वायु के दिशा में मौसमी परिवर्तन। चलिए अगला देखेंगे, 15 नंबर सवाल देखिएगा, 15 नंबर सवाल आपके सामने है कि चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का अधिकार किसे है दोस्तों, यह है चुनाव आयोग को, याद रखिएगा, ठीक है, चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का जो अधिकार है ये किसे है, यह है दोस्तों चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा चुनाव आयोग का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चुनाव आयोग का जो उल्लेख है दोस्तों, निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 324 में है, किसमें है दोस्तों, अनुच्छेद 324 में उल्लेख किया गया चुनाव आयोग का, ठीक है, इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 के हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 16 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, 16 नंबर सवाल है दोस्तों, कॉलम ए से कॉलम मिलाना है दोस्तों, अगर बात करेंगे कॉलम ए में क्या है दोस्तों, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, देखिएगा यहां पर अगर बात करें दोस्तों कि देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों, सुकुमार सेन थे, ठीक है, यानी कि 1 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। यहां पे देखिए मीटर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, अगर देखते हैं तो 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का घा हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करेंगे कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, तो 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ग, राष्ट्रपति, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त की, ठीक है, तो 1991 के चुनाव में, याद रखिएगा, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, और 4 का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1 का घ, 2 के ग, 3 के क, 4 के ख हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 17 नंबर सवाल देखिएगा, 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, तो 44वें संविधान संशोधन का जो मुख्य लक्ष्य है ये भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना, ठीक है, याद रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन का जो मुख्य लक्ष्य क्या है, भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था, कब हुआ था, 1978, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 18 नंबर सवाल देखिएगा, 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, सत्य पूछ रहा है, ठीक है, तो चाणक्य को विशाख दत्त के नाम से जाना जाता था दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, याद रखिएगा, चाणक्य को विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, चाणक्य को विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ये कथन क्या है दोस्तों, सत्य है, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आइए 2 ऑप्शन और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ दोस्तों अगर बात करेंगे
देखिए यहाँ पे दो और ऑप्शन है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे दोस्तों 322 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को नहीं बल्कि जैन धर्म को अपना लिया था। कौन सा धर्म? जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है, ये भी ऑप्शन नंबर गलत है दोस्तों। सम्राट अशोक कलिंग विजय के उपरांत जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, ये भी गलत है दोस्तों। अशोक जो था ये कलिंग विजय के उपरांत जो है ये जैन धर्म का नहीं बल्कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, ठीक है। कौन? कलिंग विजय। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है, देखिए यहां पे कि समरांगन सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। समरांगन सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन क्या है दोस्तों? सत्य है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 20 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 20 नंबर सवाल आपके सामने है कि उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है दोस्तों, याद रखिएगा जगन्नाथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है, तो जगन्नाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 21 है कि फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना दोस्तों? तो सैयद बंधु के सहयोग से, याद रखिएगा सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुखसियार जो है वो मुगल बादशाह बना था। चलिए अगला देखते हैं, 22 नंबर सवाल देखिएगा। 22 नंबर सवाल आपके सामने है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। लाल मिट्टी लाल कैसी होती है दोस्तों? लौह ऑक्साइड के कारण होती है, याद रखिएगा। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है दोस्तों। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है, याद रखिएगा। तो बिहार में जो प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला 23 नंबर, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा सरसों दोस्तों, याद रखिएगा सरसों जो है ये खरीफ फसल नहीं है। चावल खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ फसल है, और सोयाबीन जो है ये खरीफ फसल है। सरसों क्या है दोस्तों? ये खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा, अगर बात करेंगे कि कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है, तो मिस्ट्रल, ठीक है। मिस्ट्रल जो है ये स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी दोस्तों चिनुक, सी रॉक को उसके बाद फॉन, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब स्थानीय पवन है, ठीक है। मिस्टर जो है स्थानीय पवन नहीं है। अगला देखेंगे, 25 नंबर सवाल देखिएगा। 25 है आपके सामने कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगर बात करेंगे, ये कहा जाता है दोस्तों कि मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद के किन सदस्यों को? तो मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, ठीक है, यानी 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 26 नंबर सवाल देखिए। 26 है कि ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था दोस्तों? याद रखिएगा, तो अगर बात करेंगे कि ब्रिटेन के किस राजा ने, तो चार्ल्स द्वितीय ने, याद रखिएगा चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई दिया था, ठीक है। अगला है दोस्तों 27 नंबर कि विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था? तो कृष्णदेव राय, याद रखिएगा कृष्णदेव राय जो थे ये क्या किए थे? विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था दोस्तों। याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का दो नामक भाई ने मिलकर किया था। कब किए थे? 1336 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन था दोस्तों? ये कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय के समय में कौन आया था दोस्तों? विदेशी यात्री आया था, तो निकोलो कोंटी आया था, बारबोसा आया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अच्युत देवराय दोस्तों देवराय द्वितीय शासन काल में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं कि विजयनगर के शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था, तो कृष्णदेव राय किया था। चलिए अगला देखते हैं, 28 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 28 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों, अगर बात करेंगे निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है कि पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है दोस्तों, ये सही है, ठीक है, याद रखिएगा। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 क्या है दोस्तों? ये सभी सत्य है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28 का। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 है कि बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, तो पाइपलाइन से, ठीक है। बरौनी में किस मार्ग से? तो पाइपलाइन से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। अगला है 30 नंबर कि धरती बाबा किसे कहा जाता था,
याद रखिएगा बिरसा मुंडा को, ठीक है, बिरसा मुंडा को धरती बाबा के नाम से जाना जाता था दोस्तों, बिरसा मुंडा को। चलिए अगला देखेंगे, 31 नंबर सवाल देखिएगा कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है दोस्तों, तो होता है दोस्तों छठी कक्षा में, कौन सी कक्षा में, छठी, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय में दाखिला जो होता है किस कक्षा से में होता है, छठी कक्षा में होता है। अगला है 32 नंबर कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी दोस्तों, अगर बात करेंगे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति दोस्तों किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, तो वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32 का। चलिए अगला देखते हैं, 33 नंबर सवाल देखिएगा, 33 है कि दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा ये बहाई धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल जो है ये किस धर्म से संबंधित है, तो बहाई धर्म से संबंधित है दोस्तों दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल। अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा यहूदी किस देश में पाया जाता है दोस्तों, तो इजराइल में, ठीक है। अभी पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन में दोस्तों हमास में युद्ध चल रहा है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा यहूदी जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो इजराइल पाया जाता है। इजराइल की जो राजधानी होता है दोस्तों जेरूसलम होता है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों 34 नंबर सवाल देखिएगा, 34 आपके सामने कि निम्न कथन कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे सबसे पहला कथन क्या है, तो सबसे पहला कथन है दोस्तों क्या पूछा दोस्तों, असत्य पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहला कथन है कि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है, यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है एवं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है दोस्तों, ये सत्य है, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों कि भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन सी है कि भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे का 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है। ऑप्शन नंबर अगर हम लोग डी देखेंगे दोस्तों, तो इसे यहाँ समझिएगा कि 1 डिग्री अक्षांश से 120 किलोमीटर के बराबर होता है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये क्या असत्य है। देखिएगा 1 डिग्री जो अक्षांश होता है 120 किलोमीटर के बराबर नहीं होता बल्कि 111 किलोमीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा 1 डिग्री जो अक्षांश होता है 111 किलोमीटर के बराबर होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 34 का। देखते हैं अगला दोस्तों 35 नंबर सवाल देखिएगा, देखिए यहाँ पे 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, सबसे पहला चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। यहाँ पे है कि उपरोक्त में से किन से होकर मकर रेखा गुजरती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो बात करेंगे दोस्तों इन सभी से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त देशों में सभी, यानी कि सभी हो जाएगा दोस्तों, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी से होकर कौन से रेखा गुजरती है दोस्तों, मकर रेखा, याद रखिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि मकर रेखा लिम्पोपो नदी को दो बार काटती है, ठीक है। कर्क रेखा माही नदी को दो बार काटती है, मकर रेखा लिम्पोपो नदी को दो बार काटती है, और भूमध्य रेखा जो है विषुवत रेखा वो कांगो नदी को दो बार काटती है। अगर बात करेंगे चिली राजधानी क्या होता है दोस्तों, सैंटियाना, ठीक है। चिली की राजधानी क्या होता है, सैंटियागो जो होता है चिली की राजधानी होता है। अर्जेंटीना राजधानी क्या होता है दोस्तों, ब्यूनर्स आयर्स जो होता है अर्जेंटीना राजधानी होता है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया होता है दोस्तों। नामीबिया जो राजधानी होता है, नामीबिया की राजधानी होता है विंड हॉक होता है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका राजधानी क्या होता है दोस्तों, प्रिटोरिया, ठीक है, ब्लोम फाउंटेन, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होता है, तो कैनबरा जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपको 36 नंबर सवाल देखिएगा, 36 दोस्तों आपके सामने 36 नंबर सवाल देखेंगे कि किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है दोस्तों, याद रखिएगा गंगा नदी का, ठीक है। गंगा नदी का जो प्रणाली है जल सबसे अधिक उपयोग में आता है, गंगा नदी जो लंबाई है दोस्तों याद रखिएगा ये 2525 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है दोस्तों। अगर बात करेंगे गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी लंबाई 2525 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी लंबाई कितना होता है दोस्तों, याद रखिएगा 2900 किलोमीटर होता है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों कहां जाकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों 37 नंबर सवाल देखिए, 37 नंबर सवाल आपके सामने है कि वित्त आयोग के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन है कि अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, एक सही है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे कि वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है।
वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं दोस्तों, ये गलत है, यानी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यानी कि 1, 2, 3 दोस्तों ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, क्योंकि वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य नहीं होते बल्कि 4 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 4। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों 38 नंबर सवाल देखिएगा, 38 है कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो केरल में हुआ था, याद रखिएगा कि भारत किस राज्य में, तो केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का स्थापना हुआ था। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 39 नंबर सवाल देखिएगा, 39 है कि दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है दोस्तों, याद रखिएगा दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है, तो याद रखिएगा अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना, याद रखिएगा दबाव समूह का जो प्रधान उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। अगला दोस्तों 40 नंबर सवाल है कि मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है, उपमंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो मंत्रिपरिषद में जो वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों में जो सही क्रम होता है, उपमंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 का। अगला दोस्तों 41 नंबर सवाल देखिएगा, 41 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था दोस्तों, याद रखिएगा तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, यानी कि ऑप्शन नंबर 41 का ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 42 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, 42 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, सबसे पहला है कंदरीय महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, रथ मंदिर मलालपुरम दोस्तों, ये सही है। बृदेश्वर मंदिर मदुरै में नहीं, तंजौर में, कहां से था? तंजौर, ठीक है, याद रखिएगा तंजौर जो दोस्तों, ठीक है, तो बृदेश्वर मंदिर दोस्तों ये तंजौर में स्थित है, ना कि मदुरै में दोस्तों। ये क्या हो जाए, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित दोस्तों, ये सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 का। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 43 नंबर सवाल देखिए, 43 है कि स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रसारित करने में मुख्य रूप से किस का योगदान महत्वपूर्ण था दोस्तों, ये था लियाकत हुसैन का। ठीक है, याद रखिएगा, तो स्वदेशी आंदोलन को पटना के प्रसारित करने में मुख्य रूप से किस का योगदान महत्वपूर्ण था, तो लियाकत हुसैन का योगदान महत्वपूर्ण था। चलिए अगला देखते हैं, अगला दोस्तों आपके सामने 44 नंबर सवाल देखिए, 44 सवाल आपके सामने है कि हिटलर ने वसाय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार किया कर दिया था दोस्तों, तो 1935 में किया था। याद रखिएगा हिटलर ने वसाय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया, तो 1935। अगला है 45 नंबर कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोही आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ताना भगत आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा कि गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह या फिर आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ताना भगत आंदोलन, यानी कि 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 46 नंबर सवाल देखिए, 46 आपके सामने कि जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है, वो होता है दोस्तों जिला एवं सेशन जज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है, जिला एवं सेशन जज होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 46 नंबर सवाल देखिए, 46 नंबर सवाल आपके सामने है, सॉरी दोस्तों 47 नंबर है कि निम्न में से कौन से विकल्प में दिए गए कथन असत्य है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, असत्य। ठीक है, अगर बात करेंगे कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे दोस्तों, ये सही है। गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे, नहीं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी दोस्तों, असत्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। तो गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु नहीं थे, बल्कि गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे, कौन से गुरु थे, 5वें। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, कब किया था दोस्तों, याद रखिएगा 1699 में किया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 1699 खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। गुरु अर्जुन देव ने हर मंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का स्थापना किए थे, ये दोस्तों सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 48 नंबर सवाल देखिए, 48 दोस्तों आप सामने कि मुंबई महानगर का स्टडी कोड क्या है दोस्तों, तो 022 है दोस्तों, क्या है, 022 जो है ये मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है दोस्तों। अगला है 49 नंबर कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है दोस्तों, ये दोस्तों लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी क्या होता है, कवरत्ती, याद रखिएगा। तो याद रखिए दोस्तों पूरी राजधानी क्या होता है, पुडुचेरी। ठीक है,
दादर नगर हवेली और दमन दीव राजधानी क्या होता है? दमन। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जो केंद्रशासित प्रदेश कितना है तो 28 राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा 28 राज्य है और 8 केंद्रशासित प्रदेश है वर्तमान में। तो केंद्रशासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? लक्षद्वीप का है। सबसे ज्यादा किसका है? वह दोस्तों दिल्ली का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, 50 नंबर सवाल देखिए। 50 नंबर सवाल आपके सामने है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था दोस्तों? याद रखिएगा वो था दोस्तों रामगुप्त। ठीक है, तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त जो था ये तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था दोस्तों। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फाहियान आया था, चीनी आदित्य फाहियान था दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 51 नंबर सवाल है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है दोस्तों तो 135वां है, याद रखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान है कितना है? 135वां। चलिए अगला देखते हैं, 52 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? कौन लिया दोस्तों? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य ने, तो पश्चिम बंगाल ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा। अगला देखेंगे 53 है दोस्तों कि हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है दोस्तों, याद रखिए कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है हरप्रीत चंडी। अगला दोस्तों 54 नंबर सवाल कि भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन हुआ है, कहाँ हुआ है? हुआ है दोस्तों चेन्नई में। कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हाँ चेन्नई में, याद रखिएगा कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 55 नंबर कि 20 नवंबर 2021 को लाचित दिवस कहाँ मनाया गया है दोस्तों? ये मनाया गया है असम में। ठीक है, याद रखिएगा तो 20 नवंबर 2021 को लाचित दिवस जो मनाया गया है ये असम में मनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 56 नंबर सवाल देखिएगा, आपके सामने 56 है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है दोस्तों? याद रखिएगा ये भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। ठीक है, तो भारत में जो मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का, ये 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान जो गवर्नर है कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास, जो 25वें गवर्नर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 57 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है कि बंद अर्थव्यवस्थाओं वे अर्थव्यवस्था होती है जिनका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है दोस्तों। ये सही है। ठीक है, क्या है? ये सही है दोस्तों। अगर बात करें कि भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बंद अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि आयात और निर्यात जैसी अर्थव्यवस्था है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? 1 सही है और 2 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 सही है, कथन 1 सही है, 2 गलत है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, 58 नंबर सवाल देखिएगा। 58 नंबर है कि राज्य कमेटी किससे संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा ये संबंधित है कृषि से। ठीक है, राज्य कमेटी जो संबंधित है किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। अगला है 59 नंबर कि विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है हवाला कहलाता है। क्या कहलाता है? हवाला। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है हवाला। अगला देखेंगे 60 नंबर सवाल देखिएगा, 60 नंबर है कि अवसर लागत का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? अगर बात करेंगे कि अवसर लागत का अर्थ होता है, तो वैकल्पिक प्रयोग की लागत। ठीक है, वैकल्पिक प्रयोग का जो लागत होता है ये अवसर लागत का अर्थ होता है दोस्तों। अगला देखेंगे हम लोग 61 नंबर सवाल देखिएगा, 61 नंबर सवाल है कि वर्णधारता में रोगी पहचान नहीं कर पाता दोस्तों लाल तथा हरे रंग की। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्णधारता में रोगी जो है पहचान नहीं कर पाता कौन सा रंग? लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। अगला है 62 नंबर कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह दोस्तों ऑक्सीकरण। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि शरीर में भोजन का जो पचना है किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह है दोस्तों ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 63 नंबर सवाल देखिएगा, 63 नंबर सवाल आपके सामने है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेंढक किस प्रकार का उपभोक्ता है दोस्तों? यह है दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, याद रखिएगा कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेंढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? द्वितीयक उपभोक्ता है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे
64 नंबर सवाल देखिए, 64 है कि SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है दोस्तों, ये बनाता है H2SO3 बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा कि SO2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है, H2SO3। अगला है 65 नंबर कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है दोस्तों, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ठीक है, याद रखिएगा भाप अंगार गैस जो होता है किसका मिश्रण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65 का। चलिए अगला देखते हैं, 66 नंबर सवाल देखिएगा कि बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो पायरीन अग्निशामक, तो ठीक है याद रखिएगा कि बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक। अगला 67 नंबर कि मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है, वो करता है दोस्तों HIV, ठीक है, HIV इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन अमीनो वायरस, ठीक है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन अमीनो वायरस, ठीक है, तो मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है, HIV करता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 68 नंबर सवाल देखिए, 68 नंबर है कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है, सेव मैलिक अम्ल का, इसे याद रखिए, सेव भी कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल, चाय में टैनिक यह दोस्तों सही है, दही में लैक्टिक अम्ल सही है, संतरा फॉर्मिक अम्ल दोस्तों, याद रखिए संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल, साइट्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 69 नंबर सवाल आपके सामने है कि जूल मात्रक है दोस्तों किसका, कार और ऊर्जा का, ठीक है, याद रखिएगा कार और ऊर्जा का मात्रक है जूल, ठीक है, कार और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, 70 नंबर सवाल देखिएगा, 70 नंबर सवाल है कि CO का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 28 AMU होता है दोस्तों, कितना होता है, CO का जो मोलर द्रव्यमान होता है कितना होता है, 28 AMU। अगला 71 नंबर सवाल है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों, तो पादप कोशिका में, ठीक है, याद रखिएगा कि कोशिका जो भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में पाई जाती है। चलिए अगला देखेंगे, 72 नंबर सवाल देखिएगा, 72 नंबर सवाल है कि मक्का जिया मैज में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है दोस्तों, क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, याद रखिएगा कि मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है कार्बोहाइड्रेट। अगला है 73 नंबर कि हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितनी है, 131 ग्राम, ठीक है, याद रखिएगा कि हमारे देश में प्रतिवर्ष औसतन प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की जो खपत कितनी है, 131 ग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 74 नंबर सवाल देखिए, 74 है कि आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु। अगला है 75 नंबर सवाल है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं, याद रखिएगा कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होते हैं, यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा साइटोकाइनिन, क्या हो जाएगा दोस्तों, साइटोकाइनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75 का। अगला दोस्तों 76 नंबर सवाल है, निम्न से कौन सा सही युग्म है दोस्तों, सही है ऑप्शन नंबर बी, F-32/9 C/5, ठीक है, याद रखिएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ये कौन क्या है, ऑप्शन नंबर सी बी है दोस्तों, सही है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 77 नंबर सवाल देखिएगा, 77 नंबर सवाल है कि मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन यदा कदा ही होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, तो मेढक में त्वचा के द्वारा जो होने वाला श्वसन होता है ये यदा कदा ही होता है, यानी कि 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 नंबर सवाल देखिएगा, 78 आपके सामने है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सबसे पहला कथन है कि यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों, याद रखिएगा ये गलत है, ठीक, यकृत जो होता है दोस्तों ये मानव की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है, बल्कि यकृत जो होता है ये याद रखिएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, यानी कि ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, गलत है, ठीक है। अगर बात करेंगे कि यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 से 2 kg के मध्य होता है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 गलत है, 2 और 3 सही है, 1 गलत है दोस्तों, ठीक है। एक गलत कैसे हुआ दोस्तों, कि मानव शरीर का सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि है दोस्तों, ना कि यकृत होता है, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 और 3 क्या है दोस्तों, सही है, यानी पूछा कि कौन सा कथन सत्य है, तो 2 और 3 क्या है दोस्तों, सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 79 देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिएगा 79 है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो गाजर रूपांतरित जड़ है दोस्तों, ये सही है, ठीक है। मूली रूपांतरित तना है, ये दोस्तों गलत है, ठीक है। आलू रूपांतरित तना है दोस्तों, ये सही है। प्याज तथा लहसुन रूपांतरित तना है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये क्या है दोस्तों, ये सही नहीं है, ठीक है, मूली रूपांतरित तना नहीं है। चलिए अगला देखेंगे, 80 नंबर सवाल देखिए, 80 नंबर सवाल आपके सामने है कि सुरती
मेहसाना मुर्रा जफराबादी किस पशु की प्रजाति है दोस्तों? ये है दोस्तों भैंस का, ठीक है, याद रखिएगा। तो सुरती, मेहसाना, मुर्रा, जफराबादी ये किस पशु की प्रजाति है? तो यह है दोस्तों भैंस का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपके 81 नंबर सवाल से दोस्तों ये मैथ का सवाल है, ठीक है, इसका हम आपको आंसर बता देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 81 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, ये हो जाएगा दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 82 का। देखिए 82 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, 1:2 दोस्तों। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 83 नंबर सवाल, देखिएगा 83 का दोस्तों, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 83 का 13% हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 13%, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 84 नंबर सवाल, देखिए 84 जो आपका सवाल है ये दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2/45 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 2/45, ठीक है। अगला देखेंगे 85 नंबर सवाल, देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 85 का ऑप्शन देखिएगा तो 1.89, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों? 1.89 रुपया हो जाएगा, यानी कि 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 86 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा 86 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? 2025 तक रखा है, याद रखिएगा कि दिल्ली सरकार ने कब तक 2025 तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों। याद रखिए यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। दिल्ली में वर्तमान में केजरी है दोस्तों, केजरीवाल दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 87 नंबर सवाल है कि पुस्तक द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है दोस्तों? ये शांतनु कुमार, ठीक है, याद रखिएगा कि पुस्तक द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है? शांतनु कुमार। चलिए अगला देखेंगे 88 नंबर सवाल, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? सबसे पहले इधर फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 है, इधर विजेता है दोस्तों, तो डूरंड कप का विजेता कौन है? बेंगलुरु FC, ये सही है दोस्तों। 75वां संतोष ट्रॉफी कौन जीता है दोस्तों? केरल जीता है, ये भी सही है। इंडियन सुपर लीग दोस्तों कौन जीता है? हैदराबाद FC, ये भी सही है। UEFA चैंपियनशिप लीग चेल्सी दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या दोस्तों? ये मिलान दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, अगला आपके सामने है 89 नंबर सवाल, देखिए 89 नंबर सवाल आपके सामने है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? याद रखिएगा ये किया गया है सभी को, अनिल प्रकाश जोशी को भी, विद्युत मोहन को और रिद्धमा पांडे को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे किसे सम्मानित किया गया है? अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन, रिद्धमा पांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। अगला 90 नंबर सवाल है 29 जून 2022 को कहां पर GST परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई है? ये किया गया दोस्तों चंडीगढ़ में, ठीक है। 29 जून 2022 को कहां पर? तो चंडीगढ़ पर GST परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 91 नंबर सवाल, देखिएगा 91 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है, सवाल पढ़िएगा कि QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया दोस्तों? यह है दोस्तों लंदन, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 91 का ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों आपके सामने 92 नंबर सवाल, देखिए 92 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? ये रखा गया दोस्तों संभाजी नगर रखा गया, ठीक है। तो हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर। अगला 93 नंबर सवाल आपके सामने है कि फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये लिया दोस्तों फिलीपींस, ठीक है, याद रखिएगा कि फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के, तो फिलीपींस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। फिलीपींस की राजधानी क्या है दोस्तों? याद रखिए हेलसिंकी जो है ये फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। फिलीपींस को अगर बात करेंगे, याद रखिएगा दोस्तों वियतनाम की राजधानी क्या है दोस्तों? हनोई, ठीक है, याद रखिएगा। वियतनाम की राजधानी क्या है दोस्तों? हनोई। थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? बैंकॉक। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं 94 नंबर सवाल, देखिए 94 नंबर सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैंक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है दोस्तों? ये ले रहा है INS सतपुड़ा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है? INS सतपुड़ा। अगला है 95 नंबर कि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है। तो दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T2.0 का जो उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। अगला देखेंगे 96 नंबर सवाल, देखिएगा कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.94 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर, तो 89.94 मीटर दूर भाला फेंक कर
अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया दोस्तों नीरज चोपड़ा। अगला है 97 नंबर सवाल है कि हाल ही में कहां पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया दोस्तों मुंबई में, ठीक है। तो हाल ही में कहां पर, तो मुंबई पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अगला देखेंगे 98 नंबर सवाल, देखिएगा 98 आपके सामने कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ये क्या है दोस्तों? नासा, ठीक है। या देखिएगा नासा का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1968 को हुआ था, ठीक है, 1968 को, 1958 को दोस्तों, या देखिएगा 1958 को, ठीक है, 1958 को नासा का स्थापना हुआ दोस्तों। या देखिएगा अगर बात करते हैं कि इसरो का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। वर्तमान इसरो का अध्यक्ष सोमनाथ था। क्या दोस्तों? इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 99 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंत्री 22 का आयोजन किया गया है दोस्तों? याद रखिएगा कहाँ किया गया है। अगर बात करेंगे ये किया गया दोस्तों जोधपुर में, ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में भारतीय सेना कहाँ पर, तो जोधपुर पर, जोधपुर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंत्री 22 का आयोजन किया है। अगला दोस्तों आज का लास्ट सवाल 100 नंबर सवाल दोस्तों, 100 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? ये किया गया दोस्तों, याद रखिएगा, लिस्बन। कहाँ किया गया दोस्तों? लिस्बन। लिस्बन की राजधानी है तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? लिस्बन, ठीक है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? लिस्बन दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमने 100 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।